Okay, next, hedging of foreign currencies using futures. Before I go ahead, हेजिंग क्या होता है वो समझना जरूरी है. तो सपोज करो कि आपका कोई पेमेंट है या कोई रिसीट है फॉरेन करेंसी का. फॉर एग्जांपल, मुझे डॉलर 1 लाख देने हैं तो मुझे बाय करना पड़ेगा बिकॉज मैं इंडिया में रहती हूँ और मेरे पास डॉलर्स नहीं होते. ओके, या फिर मैंने एक्सपोर्ट किया है और मेरा 1 लाख डॉलर आने वाला है तो मुझे बेचना पड़ेगा बिकॉज इंडिया में मुझे रुपीज चाहिए होंगे. अगर पेबल होगा तो मुझे करेंसी के एक्सचेंज रेट की बढ़ने का डर लगेगा, और अगर रिसीवेबल होगा तो रेट के गिरने का डर लगेगा, क्योंकि पेबल के केस में अगर रेट बढ़ती है तो मेरा डोमेस्टिक इक्विवेलेंट आउटफ्लो बढ़ेगा जो मुझे नहीं चाहिए. अगर मेरा रिसीवेबल है तो अगर रेट गिरी तो मेरा डोमेस्टिक इक्विवेलेंट कम हो जाएगा, वो भी मुझे नहीं चाहिए. तो उस रिस्क को मैं पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकती, बट आई कैन डेफिनेटली कम कर सकती हूँ. आई कैन रिड्यूस इट टू अ बेरेबल लेवल एटलीस्ट. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड हेजिंग. तो हेजिंग करने के बहुत सारे टूल्स हैं, इनमें से 3 तो आपको पता है ऑलरेडी बिकॉज हम लोगों ने फॉरेक्स में ऑलरेडी पढ़ा था. नो कवर, फॉरवर्ड कवर एंड मनी मार्केट कवर. नो कवर का मतलब क्या हुआ कि मैच्योरिटी तक अपन कुछ नहीं करेंगे, उस दिन अपन मार्केट में जा करके वी विल बाय द फॉरन करेंसी एंड मेक द पेमेंट. बट रिमेंबर वन थिंग, कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला लेजीनेस की वजह से नहीं गया. ये स्ट्रैटेजिकली डिजाइंड एक स्ट्रैटेजी होगी. ओके, कुछ उसके दिमाग में है सामने वाले के, तभी वो सामने नहीं गया है, वरना वो जरूर जाता था. ओके, नाउ फॉरवर्ड कवर, यू टॉक टू द बैंक अबाउट द फॉरवर्ड रेट. आप मैच्योरिटी वाले दिन जाओ, बैंक को आप पैसा पे करो और बैंक आपको करेंसी देगी. सेम विथ मनी मार्केट कवर, अगर आपका पेएबल है तो इन्वेस्ट बाय बोरो, और अगर आपका रिसीवेबल है तो बोरो सेल इन्वेस्ट. यू ऑलरेडी नो दैट, राइट? व्हाट वी आर इंटरेस्टेड हियर इज अ फ्यूचर्स कवर. मैं आपको आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूं, जस्ट वन पॉइंट हियर. लुक एट हियर नाउ, ये आपका हो गया कैश मार्केट. नाउ व्हाट इज कैश मार्केट? कैश मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे आप इमीडिएटली पैसे दे करके और आप फॉरेन करेंसी की डिलीवरी ले सकते हो ऑन एन इमीडिएट बेसिस. ओके, एंड समझो ये है फ्यूचर्स मार्केट. तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वन पॉइंट दैट फ्यूचर्स में डिलीवरी नहीं होती है. प्रैक्टिकली कुछ कुछ चीज़ों में होती भी है, बट जहाँ तक अपन सम्स करने वाले हैं उसमें अपन डिलीवरी नहीं दिखाएंगे. तो अज्यूम करो कि यहाँ पे डॉलर का रेट चल रहा है 70 per dollar. ओके, और यहाँ पे डॉलर फ्यूचर्स की रेट चल रही है ₹72 per dollar. मैं क्या बोलूँगी, डॉलर फ्यूचर्स मैच्योरिंग 3 months आर ट्रेडिंग एट ₹72. मतलब क्या हुआ, वो वाला फ्यूचर जो 3 महीने के बाद मैच्योर होने वाला है उसकी आज की रेट है 72. ओके, यहाँ पे जाकर के रेट हो गई ₹74 per dollar. ओके, और ये भी अज्यूम करो कि 74 per dollar ही हो गया. ये खत्म हो गई बात. अभी अगर मेरा पेबल होगा तो व्हाट विल आई डू, आई विल बाय फ्यूचर्स. व्हाई? बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ डॉलर गोइंग अप. अगर मुझे डॉलर के बढ़ने का डर लग रहा है तो आई विल बाय, जिस चीज के हमें बढ़ने का डर लगे उसको हम बाय करते हैं. तो आई विल बाय डॉलर फ्यूचर्स. नाउ डॉलर फ्यूचर्स किसको बुलाते हैं, ₹72 per dollar. डिनोमिनेटर जो होगा उसके नाम से फ्यूचर्स का नाम रखा जाता है. ओके, सो इफ इट इज ₹72 per dollar ये कहलाएगा डॉलर फ्यूचर्स. अगर ₹90 per pound होगा तो पाउंड फ्यूचर्स. ओके, और डॉलर पर रुपी होगा तो रुपी फ्यूचर्स बोलेंगे. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस विल बी कॉल्ड एज डॉलर फ्यूचर्स. अगर मुझे डॉलर के बढ़ने का डर है तो नेचुरली आई विल बाय डॉलर फ्यूचर्स एट ₹72 per dollar, और 3 महीने के बाद ₹74 per dollar पे मैं स्क्वायर ऑफ करूंगी, मुझे ₹2 का फायदा होगा पर डॉलर. ओके, तो मेच्योरिटी पे ₹2 लेके निकल गई मैं, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ बिकॉज मुझे करेंसी नहीं मिली हाथ में. उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा. आई गो हियर, यहाँ जाए बगैर मेरे हाथ में करेंसी नहीं आएगी. मैं जाऊंगी बैंक के पास में या फिर मैं कैश मार्केट में जाऊंगी, ₹74 1 डॉलर का पे करूंगी तो मेरे हाथ में $1 की डिलीवरी आएगी. लेकिन
अपने को ये नहीं भूलना है कि अपने पास में ऑलरेडी रुपीज 2 पड़ा हुआ है जो हमने फ्यूचर्स मार्केट में कमाया था. तो 74 माइनस रुपीज 2 विल गिव यू रुपीज 72 पर डॉलर. यानी कि आपका कॉस्ट 74 नहीं हुआ, आपका कॉस्ट हो गया रुपीज 72 पर डॉलर. दिस इज कॉल्ड हेजिंग ऑफ करेंसीज यूजिंग फ्यूचर्स. इट्स दैट सिंपल एक्चुअली. ओके, तो सारे सम्स भी इसी तरह से बने हुए रहते हैं. सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, फ्यूचर्स में ऑड अमाउंट में ट्रेड नहीं कर सकते अपन. अपने को अपने एक्सपोजर को, व्हाट इज एक्सपोजर, फॉर एग्जांपल अगर मेरा पेबल 5,90,000 का है तो 5,90,000 को अपन हेज नहीं कर सकते. अपन को नंबर ऑफ लॉट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सपोज 1,00,000 का अगर लॉट है तो अपने को या तो 5 लॉट लेना पड़ेगा या 6 लॉट लेना पड़ेगा. 5,90,000 का कोई एक्सपोजर फ्यूचर्स में अवेलेबल नहीं है. एंड दैट इज वाई यूजुअली देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर हेजिंग एंड अंडर हेजिंग इन फ्यूचर्स. सो जस्ट रिमेंबर दैट पार्ट. ओके, सो लेट्स क्विकली गो टू द क्वेश्चन एंड वन सोल्यूशन ऑल्सो आई रिटन हियर. देर आर वेरियस टूल्स ऑफ हेजिंग, नो कवर, फॉरवर्ड कवर, मनी मार्केट कवर, फ्यूचर्स कवर एंड ऑप्शंस कवर. द हेजर हैज एन एक्सपोजर ऑफ पेबल और रिसीवेबल एंड हेंस ही इज अफ्रेड ऑफ करेंसी प्राइस गोइंग अप और डाउन. इन ऑर्डर टू हेज हिमसेल्फ ही कैन यूज फ्यूचर्स वेयर बाय द कैश प्रॉफिट्स ऑफ द फ्यूचर्स मार्केट वुड रेड्यूस और मैक्सिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट इन द स्पॉट मार्केट. ओवरऑल कॉस्ट के साथ में आई थिंक ओवरऑल रिसीट्स भी आना चाहिए, बिकॉज कॉस्ट रेड्यूज होगा और रिसीट्स मैक्सिमाइज होंगे. ओके, सो स्लैश रिसीट्स. ओके, एक सम है अपने पास में विच विल फुलफिल नो कवर, फॉरवर्ड कवर एंड फ्यूचर्स कवर. ये सम फटाफट अपन डिस्कस करते हैं. आई थिंक यू विल गेट अ हैंग ऑफ द सम. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वन और टू दूसरा था. ऑन 10/07 एन इंडियन फर्म नोज दैट इट हैज डॉलर 5,90,000 पेबल. 5,90,000 डॉलर का पेबल है. ऑन 10/09 द स्पॉट रेट इज रुपीज 47.64 पर डॉलर. एज ऑफ नाउ मुझे 47.64 डॉलर जो आज का स्पॉट रेट है उसका कोई काम नहीं. मैं आपको हिंट देती हूं, आज की जो स्पॉट रेट है वो हेजिंग में नो कवर में काम नहीं आएगी, फॉरवर्ड कवर में भी काम नहीं आएगी, फ्यूचर्स कवर में भी काम नहीं आएगी. दो जगह पे काम आ सकता है. नंबर वन, आपको मनी मार्केट कवर में आज का स्पॉट रेट काम आएगा सेकेंड स्टेप में, याद रखना. ओके, और ऑप्शंस कवर में भी काम आ सकता है जब अगर आपको प्रीमियम के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी. बट मेरी बात याद रखना, आज की स्पॉट रेट या तो मनी मार्केट कवर में या ऑप्शंस कवर में काम आएगा. नो कवर में, फॉरवर्ड कवर में और फ्यूचर्स कवर में इसका कोई काम नहीं है. ओके, एंड टू मंथ फॉरवर्ड रेट इज 47.85 पर डॉलर. डॉलर फ्यूचर्स ऑफ मैच्योरिटी ऑन द सेम डेट आर ट्रेडिंग एट 47.89 पर डॉलर. डॉलर फ्यूचर्स की रेट दे रखी है आपको यहां पे. तो ये कौन सी रेट गाइस, यहां पे अगर आप देखोगे ना, सपोज दिस इज सपोज कैश मार्केट अज्यूम करो आप, और ये आपका फ्यूचर्स मार्केट है. फाइन, सो हियर गाइज स्पॉट है आपका 47.64. इफ यू सी ऑन द टाइम लाइन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल. और यहां पे जो रेट है फ्यूचर्स की वो दे रखी है आपको, लुक एट हियर, 47.89. ओके, वही बोल रहा है. एंड द फ्यूचर्स ऑन 10/09 द स्पॉट रेट हैपेंस टू बी 47.95. ये रेट दे रखी है यहां की. और फ्यूचर्स की रेट मेच्योरिटी की दे रखी है 48.07. आई थिंक बाय जस्ट ड्रॉइंग दिस टू टाइमलाइंस आई एम श्योर यू आर एबल टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि मैं क्या करने वाली हूं. अभी कुछ थ्योरी पार्ट आना चाहिए, थ्योरी पार्ट आपको सुनना पड़ेगा. द फर्म हैज डॉलर पेएबल. क्या पे करना है? डॉलर पे करना है. द फर्म हैज डॉलर पेएबल एंड हेंस इट इज अफ्रेड ऑफ डॉलर गोइंग अप. सिंस इट इज अफ्रेड ऑफ डॉलर गोइंग अप, इट शुड बाय डॉलर फ्यूचर्स. इनको डॉलर फ्यूचर्स को बाय करना चाहिए. बट सवाल यहां पे ये उठता है, आर डॉलर फ्यूचर्स अवेलेबल?
कहने का मतलब है आपका सवाल आना चाहिए कि मैम कुछ और भी हो सकता है क्या? हाँ, कुछ और भी हो सकता है. क्या हो सकता है? आपको डॉलर की पेमेंट करनी है, आइडियली डॉलर फ्यूचर्स होने चाहिए, मतलब फ्यूचर्स की कोटेशन रुपी पर डॉलर होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं देके डॉलर पर रुपी की कोटेशन देगा. इन दैट सिनेरियो आप डॉलर फ्यूचर्स को बाय करना चाहते थे लेकिन आप बाय नहीं कर पाए क्योंकि डॉलर फ्यूचर्स है ही नहीं, रादर रुपी फ्यूचर्स अवेलेबल है. गाइस, उन सारे सम्स के बिहेवियर अलग आती है. जहां तक क्लास की बात होती है, मैंने बच्चों को वो सारे सम्स करवाए हैं. लॉट्स एंड लॉट्स वैरायटी मैंने कराई है क्योंकि ये रिविजन बैच है. मैं सिर्फ आपको दो चार मेन पॉइंट्स बोल सकती हूँ, सारा मैं लिखा के नहीं करा पाऊंगी वरना आप प्रॉपरली अपन रिवाइज नहीं कर पाएंगे. ओके, तो ये मैंने डायरेक्ट कोटेशन का सम लिया है यहाँ पे. तो डॉलर फ्यूचर्स अवेलेबल है मेरे पास में. दे आर ट्रेडिंग एट 47.89 पर डॉलर एट जीरो एंड दे वुड बी स्क्वेयर्ड ऑफ एट 48.07 पर डॉलर ऑन मैच्योरिटी. ओके, तो फिर से रिपीट करती हूँ. द फर्म इज अफ्रेड ऑफ डॉलर पेएबल एंड हेंस इट शुड बाय डॉलर फ्यूचर्स. आर डॉलर फ्यूचर्स अवेलेबल? यस, दे आर अवेलेबल एंड हेंस वी बाय देम एट 47.89. बट बिफोर यू बाय देम यू शुड नो कि कितने लॉट्स बाय करने हैं, क्योंकि आपका एक्सपोजर 5,90,000 का है. एक लॉट की साइज 1,00,000 है, तो 5,90,000 डिवाइड बाय 1,00,000 विल गिव यू $5.90. ओके, आप या तो 5 लॉट लोगे या फिर आप 6 लॉट लोगे, 5.9 लॉट्स आप नहीं ले सकते. तो लेट्स गो हेड विद द सम एंड लेट अस सी हाउ वुड वी सॉल्व द सम. ओके, आंसर लिखा है पेबल 5,90,000. आई हैव समराइज इन्फॉर्मेशन हियर. 47.85 डॉलर फ्यूचर्स एट टी इक्वल टू जीरो. लुक एट द लैंग्वेज. 47.89 ये वाला डॉलर फ्यूचर्स एट मैच्योरिटी 48.07. एक्सपेक्टेड स्पॉट 47.95 ये वाला. लॉट साइज डॉलर 1,00,000. ओके, अभी नो कवर. अगर आप कुछ भी नहीं करते तो क्या करोगे आप 5,90,000 मैच्योरिटी वाले दिन तक वेट करोगे खरीदने के लिए. रेट क्या चल रही है? 47.95 कैश मार्केट में. आपको डिलीवरी लेनी है उसकी, तो 47.95 इंटू 5,90,000 यू विल हैव टू पे दिस अमाउंट टू बाय 5,90,000. ओके, फर्दर अगर आप आज फॉरवर्ड बुक करते हो तो आपको 5,90,000 बाय करना पड़ेगा 47.85 पर डॉलर पे, और आपको ये वाली पेमेंट करनी पड़ेगी. बिलीव मी, ये सारे कंपैरिजन और सारे कैलकुलेशन जीरो पे खड़े होके कर रहे हैं. अगर आप मैच्योरिटी पहुंच जाते तो आपके पास में सिर्फ एक ऑप्शन होता, और वो ऑप्शन होता नो कवर. आप फॉरवर्ड नहीं बाय कर पाते और ना ही आप फ्यूचर्स बाय कर पाते. ओके, एंड द लास्ट अमंग दिस इज फ्यूचर्स कवर. सो फ्यूचर्स कवर में, एज आई टोल्ड यू, कि आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. मैंने लिखा भी है यहाँ पे, द इंडियन फर्म हैज डॉलर पेएबल एंड हेंस इट इज अफ्रेड ऑफ डॉलर गोइंग अप. आइडियली इट शुड बाय डॉलर फ्यूचर्स एंड सिंस डॉलर फ्यूचर्स आर अवेलेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट बायज देम एट अ रेट ऑफ 47.89. ये 47 आएगा, 47.89 per dollar at t equal to 0 and squares them off at a price of 48.07 per dollar on the date of maturity. Since futures are traded in lots, we need to convert exposure into lots. So 5,90,000 divided by dollar 1,00,000 will give you 5.90 lots. Case 1, round off the lots to 6 lots. अगर आपने राउंड ऑफ कर दिया 6 लॉट में तो क्या होगा? आप 6 लॉट्स ऑफ डॉलर फ्यूचर्स वेयर एवरी लॉट हैज गॉट 1,00,000 आप बाय करोगे 47.89 पे, एंड आप उसको स्क्वायर ऑफ करोगे 48.07 पे. सो 48.07 माइनस 47.89 इंटू 6 into 1,00,000 dollars will give you 1,08,000. This should be 89. Okay, 1,08,000 rupiya aapne futures market se le liya. Agar hum speculator hote to hum ye paise leke seedha ghar chale jate, lekin hum speculator nahi hai, hum hedger hai.
तो 1,08,000 रुपये अगर आपने कमा भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कैश मार्केट में जाके आपको 5,90,000 डॉलर्स खरीदना पड़ेगा, बिकॉज आपको डिलीवरी करनी है, आपको पेमेंट करनी है। तो आप जाओगे कैश मार्केट में, और कैश मार्केट में आप जाते हो तो आपको पड़ता है 47.9582 9500 की आप पेमेंट करते हो, और आपका नेट आउटफ्लो होता है ये वाला। ये आपने कैश मार्केट में पे किया और आपने ये फ्यूचर्स में कमाया। आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, आप अपनी इनकम को माइनस करेंगे। आपने लिखा है वी रिकमेंड फ्यूचर्स कवर एज आउटफ्लो और द कॉस्ट इज द लीस्ट। आई होप गाइस यू हैव अंडरस्टूड। इसमें एक और वैरायटी, अगर वो लोगों ने सम में बोला कि आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको 5 लॉट्स करना पड़ेगा फ्यूचर्स मार्केट में, और जो बैलेंस डेसिमल के बाद वाला जो पोर्शन है वो आपको हेज करना पड़ेगा फॉरवर्ड मार्केट में। तो मैंने वो भी वैरायटी दिखाई है, आप वो भी देख लो प्लीज। ओके, हेज फॉर 5 लॉट्स इन द फ्यूचर्स मार्केट एंड हेज फॉर 0.9 लॉट्स इन द फॉरवर्ड मार्केट। ओके, प्रॉफिट ऑन स्क्वेयरिंग ऑफ इन फ्यूचर्स मार्केट, अगर आपने 5 लॉट बाय किया है, 5 लॉट्स रिप्रेजेंट 5 लाख डॉलर्स। ओके, तो 48.07 माइनस 47.89 पर डॉलर इंटू 5 लॉट्स इंटू 1 लाख डॉलर, यू गेट 90,000 रुपीज एज प्रॉफिट फ्रॉम द फ्यूचर्स मार्केट। कॉस्ट ऑफ परचेज इन द फॉरवर्ड मार्केट, ध्यान देना, उस दिन आप जाके कैश मार्केट में बाय करोगे 5 लाख डॉलर्स, मेरे कहने का मतलब है फ्यूचर्स के लॉट्स के साथ आपका कैश मार्केट का परचेज मैच करना चाहिए। जो बैलेंस अमाउंट है वो फॉरवर्ड में आप बाय करोगे, और याद रखना फॉरवर्ड में डिलीवरी होती है, और क्योंकि फॉरवर्ड मार्केट में डिलीवरी होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट आप यू विल बाय ओनली 5 लाख डॉलर्स ऑन द डे ऑफ मेच्योरिटी इन द कैश मार्केट। तो आपने 47.85 पर डॉलर की रेट पे 90,000 डॉलर्स की डिलीवरी ली, और उसके अगेंस्ट में आपने ये वाला पेमेंट किया है। ओके, जो बच गया 5 लाख डॉलर्स वो आप उस दिन के कैश मार्केट की रेट के हिसाब से आप पे करोगे, एंड यू पे दिस एक्चुअली। सो बेसिकली यू पे दिस बट यू गेट अ प्रॉफिट ऑफ दिस एंड दिस इज योर नेट आउटफ्लो। अगेन द आंसर इज बेस्ट फॉर द फ्यूचर्स, बिकॉज इन कंपेरिजन टू द नो कवर, फॉरवर्ड कवर एंड फ्यूचर्स कवर, वी आर पेइंग द लीस्ट इन द फ्यूचर्स मार्केट। ओके, लेकिन बिफोर आई गो हेड एक बात आप ध्यान रखना, अगर उन्होंने सम के अंदर में कुछ भी नहीं बोला तो बेटर होगा आप राउंड ऑफ करके चलो। आप ऑड लॉट्स या ब्रोकन लॉट्स का सम मत अपने मन से करना, रिक्वायर्ड नहीं है। आप अजम्पशन लिखो, आई अज्यूम दैट द लॉट्स आर राउंडेड ऑफ टू 6, एंड यू कैन गो हेड, वो सिंपल होगा और आपसे सम आराम से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके,